बात करेंगे कांकेर से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। इनामी नक्सली कमांडर मनकेर, इसका बताया जा रहा है नाम, और ये ढेर कर दिया गया, एनकाउंटर हुआ था और इसमें इसको मार गिराया गया। नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 से दरअसल हमारे जवानों की मुठभेड़ हुई थी और इसमें जवानों ने इस 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। और इस दौरान घटनास्थल से लॉन्चर भी बरामद किया गया है। अलफरस और ककनार के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और आप ये देखिए, जब जवान शव लेकर आ रहे थे और 8 लाख का इनामी नक्सली है जिसे ढेर किया गया, नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। तो अलफरस और ककनार के जंगल में मुठभेड़ हुई है, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो सामान बरामद किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान एक बड़ी सफलता, जवानों को 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करेंगे। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर भी एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर जो हुआ है इसमें मुठभेड़ के दौरान देसी बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली, नक्सलियों ने बना रखी थी ये देसी बुलेट प्रूफ जैकेट। तो आप देखिए कि नक्सलियों ने बनाया देसी बुलेट प्रूफ जैकेट, पॉलीथीन कंबल और स्टील की प्लेट से जैकेट बनाई गई थी। 3 गोलियां लगी, 1 गोली पार हो गई है। ये देखिए, जहां पर कंबल और कुछ पॉलीथीन को मिलाकर उसमें बीच में प्लेट लगाई गई है, देसी जुगाड़ से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की कोशिश रही है, लेकिन 3 गोलियों के दौरान 1 गोली इसमें लग गई। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसमें एक इनामी नक्सली, 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा इस मामले में किया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, स्टील की प्लेट और कुछ पॉलीथीन लगाकर एक जुगाड़ तंत्र से ये बुलेट प्रूफ जैकेट यहां पर बनाई गई थी और इसमें देखिए 3 गोलियां लगी हैं और ये नजर भी आ रही हैं और 1 गोली जो है इसमें से पार हो गई। देसी बुलेट प्रूफ टाइप का एक सामान भी दिखा है जिसमें कंबल लपेट कर उसके ऊपर एक प्लेट फिक्स किए हैं और उसमें 3 गोली भी लगी है जो बरामद हुआ है। तो ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद एक बुलेट प्रूफ जैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब कोरबा से बड़ी खबर, एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ अनशन, 3 महिलाओं की अचानक से इस दौरान तबियत बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज में इन महिलाओं को भर्ती कराया गया है और ये बताया ये जा रहा है कि 44 दिन से ये महिलाएं जो हैं आंदोलन की राह पर थी और इनकी तबियत अचानक से बिगड़ गई। नौकरी की मांग को लेकर ये महिलाएं अनशन कर रही थी और लगातार अनशन की वजह से इनकी अचानक से तबियत खराब हुई और तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ अनशन के दौरान महिलाओं की अचानक से तबियत खराब हुई, जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। 44 दिन से ये महिलाएं आंदोलन की राह पर है। बढ़ते आगे, जगदलपुर की बात करेंगे जहां पर अपहरण के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई और दुर्ग के रहने वाले आरोपी बताए गए हैं। व्यापारी का उसकी दुकान से अपहरण किया गया था, ओडिशा की ओर भागे थे बदमाश। पुरानी रंजिश मुख्य वजह बताई जा रही जिसके चलते अपहरण की पूरी साजिश रची गई थी। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और तस्वीरें जो हैं ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है ये अपहरण की वारदात को अंजाम देते हुए और जो आरोपी हैं उनके चेहरे भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ये ले गए और आखिरकार अब पुलिस ने इस मामले में एक बड़ी कामयाबी पाई है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 आरोपी इस मामले के गिरफ्तार हो चुके हैं। फरसागुड़ा में एक व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बिठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया। वहीं रायपुर में डकैती की कोशिश का मामला सामने आया, नया रायपुर में डकैती की कोशिश की गई। रायपुर के माना में डकैती से एक दिन पहले ये कोशिश हुई है और डकैती की कोशिश का सीसीटीवी भी सामने आया है कि कैसे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये कोशिश करते हुए डकैत नजर आ रहे हैं। दोनों जगहों पर एक ही तरीके का डकैती का पैटर्न बताया जा रहा है।
और इसके पीछे एक गैंग भी बताई जा रही है। आप देखिए कि पत्थर गैंग का नाम सामने आ रहा है, डकैती करने का आरोप इस पर लगा हुआ है। एमपी और यूपी में सक्रिय गैंग बताया जा रहा है, जिसने रायपुर, नया रायपुर में डकैती की कोशिश की है। और इधर कोरबा की बात करें तो यहां पर एक बच्चे की को अगवा करने की कोशिश की गई, उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। तो देखिए, सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तीन युवकों पर आरोप लगे हैं, रिश्तेदार की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बेहद गंभीर यह मामला सामने आया, जहां पर एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर रिश्तेदार ने सजगता दिखाई और जैसे ही रिश्तेदार पहुंचा ये लोग यहां से भाग निकले। वहीं गरियाबंद में उठाई गिरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 लाख की उठाई गिरी करने का इन पर आरोप है और पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 3 आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है। इन्होंने बाइक से 3 लाख रुपए पार कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक नाबालिग भी इसमें शामिल है इस पूरी वारदात। मामले में भीमकोच के 2 आरोपी शिवा नेताम पिता मूलचंद, नेहा यादव पिता ललित यादव, इन दोनों को गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की उठाई गिरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इन 3 आरोपियों में से एक महिला है और एक नाबालिग है। ये क्या कहते हैं, पीड़ित के अनुसार जब वो राजीव से 3 लाख रुपए पैसा बैग में भर कर ला रहे थे, तब उनका रेकी किए और बोरसी के पास ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लूट कर चले गए। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी भीमखोर से है, आदतन ही अपराधी हैं और इसी तरह के वारदात को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और रिपोर्ट मिली तो तुरंत तत्काल एक्शन मोड पर आए और 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनसे कैश भी बरामद किया गया है। तो फिंगेसर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जहाँ 3 लाख रुपए के उठाई गिरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुल एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।